ओके गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। अच्छा ये बताओ लास्ट टाइम हमने चेन रूल किया था, तो अब आपको चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, क्या ये सभी रूल्स क्लियर हो गए हैं? यस सर। यस सर। अच्छा आज स्टार्ट करेंगे बेटा इंटीग्रेशन, ठीक है? और इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंटीग्रेशन से रिलेटेड थ्योरी है, तो पहले हमें वो समझनी जरूरी है कि इंटीग्रेशन होता क्या है और इंटीग्रेशन हम करते क्यों हैं और कौन से फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? एंड हाउ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है? तो आज का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन। अब बेटा जब हमने डिफरेंशिएशन किया था तो हमने डिफरेंशिएशन को यह समझा था, हमने डिफरेंशिएशन में यह समझा था कि डिस्क्रीट फॉर्म में हम किसी भी फंक्शन को उसकी डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे मूव कर सकते हैं, है ना? यही बात हमने की थी ना डिफरेंशिएशन में, कि डिफरेंशिएशन में हम किसी भी फंक्शन को कैसे उसकी डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन। ऐसे ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एक तरीके से। अगर मैं ये कहूं जिन फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएट किया और उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज निकाली, अगर हम उन्हीं फंक्शंस को सम अप कर दें, उन्हीं डिस्क्रीट वैल्यूज को सम अप कर दें, देन वी हैव द एग्जैक्ट फंक्शन जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है? तो जब हमने बोला द वर्ड वी आर यूजिंग टू सम अप, तो यहां हम कर क्या रहे हैं, सम कर रहे हैं किसका, उन सभी डिस्क्रीट वैल्यूज का। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समिंग अप ऑफ ऑल द डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है? सो दिस इज द मोस्ट लेमन फॉर्म, यानी दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इन द मोस्ट लेमन फॉर्म। Is this particular thing is clear to all of you? बेटा ये छोटी सी बात आप सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Can you explain once again? हाँ देखो हमने बेटा कुछ फंक्शंस थे जिन फंक्शंस का हमने डिफरेंशिएशन किया, लेट्स से कि हम उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करें, टू टाइम्स करें या थ्री टाइम्स करें, जितनी भी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे The function becomes even smaller. वो अपनी discrete values में convert होता चला जाता है। अब उन्हीं सभी discrete values को अगर हम add कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? फिर से एक complete function मिल जाना चाहिए। तो integration is nothing but to sum up all the discrete values, ठीक है? Okay. अच्छा, अब एक बात आप सभी लोगों के ज़हन में आ रही होगी कि जब हम summing up की बात करते हैं तो आपने क्लास टेंथ में पढ़ा था समेशन, पढ़ा था ये पर्टिकुलर सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका मतलब भी यही होता था। लेट्स से कि मैं आपसे कहूं समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू वन अप टू एन, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री up to xn. So this is again the summing up of n number of quantities. Yes, sir. Then how integration is different from this summation? अब summation में और integration में ना एक बहुत ही बारीक सा फर्क है जो कि सभी को जानना जरूरी होता है, और integration करने वाले maximum बच्चों को ये difference नहीं पता होता। देखो हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं हमें उसकी थ्योरी जरूर आनी चाहिए। आज तक आपने मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा विदाउट थ्योरी, ठीक है? आपको बोल दिया गया कि दिस इज समेशन और समेशन कर दो, ऐड कर दो, ठीक है? जनरली लोग इस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते कैसे हैं, सिग्मा,
दिस इज नॉट सिग्मा, ये सिग्मा नहीं है, सिग्मा हम इस पर्टिकुलर सिंबल को बोलते हैं. नाउ दिस इज हाउ टू डिनोट, ये एक अलग बात है, बट हमें ट्रू मीनिंग पता होना जरूरी है. नाउ द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज टू सम अप एन नंबर ऑफ वैल्यूज. अब इन एन नंबर ऑफ वैल्यूज में ऐसी क्या खास बात है कि इसके लिए हम यही पर्टिकुलर सिंबल यूज करेंगे? तो ऐसी खास बात यह होती है कि ये सारी की सारी वैल्यूज कॉन्टिन्यूअस नहीं होती. ये सारी की सारी वैल्यूज कैसी हो सकती हैं? रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, रैंडम एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वैल्यूज. यानी इन वैल्यूज का आपस में एक दूसरे के साथ कोई एक परफेक्ट रिलेशन नहीं है, सिर्फ रैंडम वैल्यूज हैं. जैसे आप मीन निकालते हो, तो मीन ऑफ एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप क्या करते हो? तो मीन ऑफ एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आपसे बोला जाए एक्स बार, तो एक्स बार को आप क्या करोगे? समेशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू वन अप टू एन अपॉन एन. तो क्या मिल गया? मीन मिल गया. अब कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर एक्स वन से लेके एक्स एन तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो एपी में हो, वो जीपी में हो, या फिर वो एचपी में हो. नॉट नेसेसरीली, कोई भी वैल्यूज हो सकती है, रेंडम वैल्यूज हो सकती है ना. आप जब स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस क्लास 10th में सॉल्व करते थे तो बेटा ये वैल्यूज सारी की सारी रेंडम वैल्यूज हुआ करती थी. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो यही फर्क है इसमें और इंटीग्रेशन में. तो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? जब हम इंटीग्रेशन के सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल के लिए यूज दिस साइन. दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंडेड एस, ठीक है, एक थिन एक्सटेंडेड एस है ये, एस फॉर सम. अब ये वर्ड आया कहां से? इसके पीछे ना एक कहानी है, ठीक है, जो हमारे टीचर्स ने कभी हमें सुनाई थी. ठीक, तो वही एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं अभी कि ये इंटीग्रेशन का साइन एस होने के पीछे व्हाट इज द रीजन. एक्चुअल में एक बहुत ही जबरदस्त मैथमेटिशियन और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था लिबनिट्स. आपने शायद सुना नहीं होगा, बट लिबनिट्स के कंटेम्प्ररी जो सबसे फेमस फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे वो थे न्यूटन. ठीक है, सो लिबनिट्स वॉज अप टू एडिंग सम क्वांटिटीज, ही वॉज डूइंग सम कैलकुलेशंस, एंड ही वॉज नॉट एबल टू एड दोज क्वांटिटीज. तो वो हर बार कैसे लिख रहा था? वो ऐसे लिख रहा था सम ऑफ अ फंक्शन, फिर उसने लिखा सम ऑफ अ फंक्शन, और ऐसे करके उसने एक काफी बड़ा फंक्शन क्रिएट कर दिया जिस फंक्शन का सम ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट. तो वो जो थीसिस थी, वो जो थियोरी थी, ही ट्रांसफर्ड टू द न्यूटन, और न्यूटन से उसने कहा कि इसमें आप कुछ कर सकते हैं, आप हेल्प करके बताएं. ठीक है, तो न्यूटन ने एक मेथड डिवाइस करा चीजों को ऐड करने का, और उस मेथड को नाम दिया गया इंटीग्रेशन. एंड दिस एस साइन वॉज द साइन फॉर इंटीग्रेशन इन कॉन्सोलेशन टू द वर्क डन बाय लिबनिट्स. तो ये जो एस वाला साइन था ये सम का साइन था, और ये सम का साइन इन कॉन्सोलेशन टू वट एवर द क्रेडिट ही वॉन्ट्स टू गिव टू द लिबनिट्स, तो उसके रिस्पेक्ट में उसने उसको, यानी लिबनिट्स के वर्क के रिस्पेक्ट में उसने यहां पर ये जो साइन था सम ऑफ का, ये साइन एस का, इंटीग्रेशन का साइन न्यूटन ने यूज किया. अब ये इंटीग्रेशन फिर किया कौन सी क्वांटिटीज का जाता है? अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने सबसे पहली क्लास में मैथमेटिकल टूल्स में जो बच्चे बिल्कुल इनिशियली थे ट्रिग्नोमेट्री में, उनको याद होगा मैंने आपसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का एक कर्व बनवाया था, और वो जो कर्व था बेटा वो कुछ ऐसा बना था. यस yes, सर, है ना. अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको टाइम एक्सिस मान लूं और इसको मैं कोई भी एम्पलीट्यूड मान लूं, तो हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट पर वी हैव डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन ये डिफरेंट वैल्यूज एक पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग ही मूव कर रही हैं. तो ये फंक्शन कहीं पर भी हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. सो इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो कैन ओनली बी डन टू द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. हम डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते.
ठीक है। आगे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं और फिर उनका इंटीग्रेशन कैसे नहीं हो पाता है, उसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। लेकिन कॉन्टिन्यूटी एग्जैक्टली क्या है, दैट यू विल लर्न इन मैथमेटिक्स, ठीक है। एक चैप्टर आएगा आपके मैथमेटिक्स में लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है बेटा। ओके सर। यस सर। इतना पार्ट सबको क्लियर है, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आई होप दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, मैं इसको रब कर रहा हूं। यस सर। ओके सर, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अब इस बात को समझ लें, ठीक है। अच्छा देखो, एक फंक्शन था वाई दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, हम जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो बेटा हम कैसे लिखते थे, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी वाई को डिफरेंशिएट करा तो मुझे क्या मिल रहा था, एफ एक्स मिल रहा था, ठीक है। yes, sir. तो देखो अगर मैं इस d by dx को उठा के इधर ले जाऊं तो y किसके इक्वल हो जाएगा, fx into dx upon d, ठीक है। yes, sir. अब मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं, जस्ट टू manipulate इट, 1 by d into fx into dx, ऐसा लिख सकते हैं। yes, sir. गुड बेटा, ये जो 1 by d है ना, दिस 1 by d रिप्रेजेंट्स इंटीग्रल, सो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यानी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स गिव्स अस वाई। अभी यही वाली बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी कि जिस भी किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं और वो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आती है, डिस्क्रीट क्वांटिटीज आती है। अगर हम उन डिस्क्रीट क्वांटिटीज को इकट्ठा कर लें यानी उनको इंटीग्रेट कर दें तो हमें वापस क्या मिल जाता है, फंक्शन मिल जाता है। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कैसे होगा। मिटा दो इसको या यही रहने दो, चलो ठीक है मैं साइड में लिख देता हूं। अच्छा देखो ध्यान से, इधर इधर ज्यादा क्लियर रहेगा। अच्छा आपके पास एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, आप सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। देखो इंटरैक्ट करना बड़ा जरूरी है तो हम ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। बताएं डेरिवेटिव ऑफ dy by dx किसके बराबर होगा, nx n minus 1 x टू दी पावर n माइनस 1, यही होगा ना बेटा। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको इससे आगे सॉल्व करने से पहले जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बता देता हूं। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन देखो क्या कहता है, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है x टू दी पावर n dx तो बेटा इसका इंटीग्रेशन, यानी दिस साइन इज सेइंग कि वी आर इंटीग्रेटिंग x टू दी पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका सोल्यूशन होगा x to the power n plus 1 upon n plus 1, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट डिफरेंशिएशन का। ध्यान से देखो, यहां पर पावर किसमें आती थी, मल्टीप्लिकेशन में, यहां किसमें आ रही है, डिविजन में। यहां पर पावर में 1 माइनस होता था, यहां पावर में क्या क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। So this is exactly opposite to what we have done in differentiation. अब general formula देखें, y equal to x to the power n का जब हमने differentiation किया तो this becomes n into x to the power n minus 1. अब बेटा मुझे यही function वापस चाहिए तो कैसे करेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं y is equal to n into x to the power n minus 1 dx upon d. Now 1 by d is nothing but integration, so n into x to the power n minus 1 dx, यही बच गया। क्लियर है बेटा?
हमने कुछ नहीं करा, इस डी बाई डी एक्स को उठा के इधर ले आए, तो दिस बिकम्स डी एक्स बाई डी, ठीक है। इतना ये यहां तक का स्टेप सबको क्लियर है? वंश क्लियर है बेटा? यस सर। वंश क्लियर है सर? ठीक है। लक्ष्य आपको क्लियर है बेटा? यस सर। कुणाल कुणाल बेटा क्लियर है? मिष्टि यस सर। संस्कृति यस सर। प्रकीरत यस सर। सना यस सर। चौर्य सर वन बाय डी ही क्यों इंटीग्रल है? वन बाय डी को ही इंटीग्रेट, इंटीग्रल का साइन हमने वन बाय डी को रिप्रेजेंट किया है इंटीग्रल से, instead of writing 1 by d again and again, हम इसको integral से represent कर रहे हैं। d क्या था? Differentiation, यानि differential operator, तो 1 upon d, यानि reciprocal of differentiation is integration. Okay sir. अच्छा, सना clear है बेटा? Yes sir. Okay, अब ध्यान से समझो, तो n तो constant है, n तो बाहर आ जाएगा, फंक्शन अंदर बच गया बेटा x टू द पावर n माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, आपको पावर में 1 ऐड करना है, ठीक है। चलो n x की पावर n माइनस 1 पावर में क्या ऐड करूं? 1 ऐड करूं, और यही वाले फंक्शन से क्या डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो 1 से 1 कट गया, यहां भी 1 से 1 कट गया, सो वी आर लेफ्ट विद n into x टू द पावर n अपॉन n, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया बेटा? x टू द पावर n, ठीक है। यस सर। तो इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन, यानी आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और उस डिस्क्रीट वैल्यू को अगर आप वापस इंटीग्रेट कर देते हो देन यू विल गेट इंटीग्रेशन, ठीक है। सर फ्रैक्शन में नीचे n माइनस 1 क्यों किया बेटा? उसकी पार क्या थी? n माइनस 1 थी, हमने n माइनस 1 में 1 ऐड करा ना। यस सर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल, जो फंक्शन की पावर होती है आप क्या करो, x टू द पावर n, ठीक है, फंक्शन की पार से उसको डिवाइड करो और पार में और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। डिफरेंशिएट करने के बाद ही पावर जो है वो, बोलो बोलो, डिफरेंशिएट करने के बाद जो पावर है वो लेनी है। हाँ हाँ हाँ, डिफरेंशिएट करने के बाद जो पावर थी बेटा। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 से आपने फंक्शन को डिवाइड करा, तो इसी में 1 ऐड कर दिया, इसी में 1 ऐड कर दिया। यस सर, यस सर। तो ये पार्ट सबको क्लियर है। अब एक जनरल क्वेश्चन, मान लें कि आपको इंटीग्रेशन करना हो x स्क्वायर प्लस 2x dx, तो देखो कैसे करेंगे, x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x dx। अब बेटा x स्क्वायर है, x की पावर 2 में 1 ऐड करा, डिवाइड करा 2 प्लस 1 से, ठीक है, क्योंकि n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करना था ना। यस सर। प्लस 2 कांस्टेंट है, यहां x की पावर 1 है, तो दिस विल बी x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो योर आंसर इज x क्यूब बाय 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर बाय 2, से 2 कट गया, सो दिस विल बी x क्यूब बाय 3 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बेटा? यस सर। ये पहला एग्जांपल सबको क्लियर है? वंश क्लियर है? यस सर। शौर्य संस्कृति? यस सर। सना रसकीरत मिष्टि? यस सर। समझ नहीं आया। अच्छा फिर से करा देता हूँ बेटा, देखो ध्यान से। अच्छा सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट को तो तोड़ सकते हैं ना, जैसे डिफरेंशिएशन में तोड़ते थे। यस सर।
ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर dx प्लस 2x dx लिख सकते हैं बेटा। यस सर। अब जनरल फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या था जनरल फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी x की पावर 2 थी, इसमें 1 ऐड करो अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है? यस सर। प्लस 2 कांस्टेंट है बेटा, यहां x की पावर कुछ नहीं होती तो 1 होता है, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो दिस इज x cube by 3 plus 2 times of x square by 2. क्या क्लियर हो गया? Yes, sir. जबरदस्ती मत बोलो बेटा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर से करा देता हूँ, बता दो। सर मैं एक बार दूसरे डिवाइस से आ जाऊँ। हाँ बिल्कुल आ जाओ। मिस्टी क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. लक्ष्य कुणाल? यस सर। कुणाल बेटा आपकी आवाज नहीं आती, आप थोड़ा सा अपना माइक चेक करो एक बार। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इधर से साइड से रब कर दूं इसको। एक मिनट। कोई नहीं बेटा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है? इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6 रूट एक्स डीएक्स, जल्दी से सर x क्यूब प्लस 4x टू द पावर 3/2। हाँ देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है सबको? बेटा सब आप लोग सब सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ओके अच्छा, पहला स्टेप क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा तो जो क्वेश्चन है वो है 3x स्क्वायर प्लस 6 रूट एक्स डीएक्स, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। और जब बेटा हमने इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, 3x square dx plus 6 root x dx, अब यहां तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 3 कांस्टेंट है, x की पावर 2 में क्या ऐड करना है 1, और 2 plus 1 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, प्लस 6 as it is, root x को मैं क्या लिख सकता हूं, x to the power 1/2 लिख सकते हैं ना? यस। तो बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है, तो आंसर आ गया 3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ऑफ 6 एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, सो दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस
12x to the power 3 by 2 upon 3 और ये कट के क्या हो जाएगा 4 so x cube plus 4x 3 by 2 is your answer ठीक है yes sir सबको समझ में आया yes sir yes sir yes sir प्रतिगत ये वाला clear हुआ बेटा yes sir ठीक है संस्कृति सना क्लियर है यस सर सर एक बार लास्ट स्टेप एक्सप्लेन करना हाँ लास्ट स्टेप देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो x क्यूब ये 3 बाय 2 है बेटा आपके पास एक रिलेशन होता है याद करो a अपॉन b अपॉन c अपॉन d हो तो d ऊपर चला जाता है ना यस सर तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 12 तो 3 से आप 12 को काट सकते हो Yes, sir. तो हो जाएगा x cube plus 4x to the power 3 by 2 ठीक है ओके yes, सर अच्छा अब एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से आंसर बताएंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx जल्दी से बताएं हो गया देखो रूट एक्स को लिखेंगे x टू द पावर 1 बाय 2 dx प्लस x टू द पावर माइनस 1 बाय 2 dx ऐसा लिख सकते हैं यस सर सो दिस विल बी x टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस x टू द पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 Yes, sir. So this will be 2x to the power 3 by 2 upon 3 by 2 plus यहाँ हो जाएगा minus 1 by 2 नहीं 1 by 2 ही आएगा और इधर आ जाएगा x to the power 1 by 2 ठीक है सर लास्ट स्टेप एक्सप्लेन करना बेटा माइनस वन बाय टू प्लस वन क्या होगा वन बाय टू होगा yes. और एक्स टू दी पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन भी वन बाय टू होगा सिंपल है हाफ माइनस हाफ प्लस वन इज हाफ तो टू एक्स की पावर थ्री अपॉन टू कैसे आया बेटा हाफ प्लस वन क्या होगा अच्छा 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 सॉरी 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 2 बाय 3 अब ठीक है ठीक है बेटा थैंक यू क्लियर हो गया सर इसका आंसर हमें कोई पावर में लाना है या इसको रूट में मतलब रूट में ला सकते हैं इसको एंड में आप और ज्यादा सिंपलीफाई करना चाहो कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो ओके सर अच्छा अब देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन बिटवीन द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन एंड द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन देखो अगर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज के बीच में रिलेशन देखना चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं ठीक है आपको किसी एक चीज का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है ठीक है एक काम करेंगे पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को फिर से लिखेंगे
अच्छा देखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता था cos x के बराबर, d बाई डी एक्स ऑफ cos x किसके बराबर होता था माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ tan x x स्क्वायर x secant स्क्वायर x, d बाई डी एक्स ऑफ secant x tan x sec x secant x tan x d by dx of log x is 1 by x. ठीक है, यही फॉर्मूला होता. अब देखते जाओ, अगर इन्हीं फॉर्मूला को इंटीग्रेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे. एक फॉर्मूला करके बता रहा हूं, देखना ध्यान से. मैंने क्या बोला था, आप इस dx को इधर ले जाओ और d को नीचे ले आओ. तो बेटा इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स बाय डी. यस सर, यस सर, है ना. बस हमने हल्का सा मैनिपुलेटी तो करा है उसको. यस, और इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूं, 1 by d इंटू कॉस एक्स डी एक्स, जिसको क्या आप लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हो ना. यस सर, यस सर. यानी बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स के बराबर हो जाएगा. ठीक है. यस सर, ओके सर, यस सर. यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स था, बट कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होगा. ठीक है. ओके सर, ये बात सबको क्लियर है. यस सर, यस सर. संस्कृति क्लियर है बेटा. शौर्य क्लियर है. यस सर. कुणाल, अथर. यस सर. क्लियर है ना बच्चे. यस सर. रस्कीरस क्लियर है बेटा. यस सर. अच्छा सना, मिष्टी क्लियर है. लक्ष्य. यस सर. अच्छा इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना. नो सर. चलो अब ऐसे ही अगले वाले का बना लें. ठीक है, देखो ध्यान से इसको क्या लिख सकते हैं. कॉस एक्स को एज इट इज लिख दो तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी. अपॉन डी के बजाय क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन. यानी के इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स. ठीक है, ऐसे ही यहां देखो डी बाई डी एक्स उधर आ जाएगा तो बेटा टैन एक्स किसके बराबर हो गया, secant square x dx upon d, यानी इंटीग्रेशन ऑफ secant square x dx tan x होता है. इसी तरह से secant x is equal to secant x tan x dx upon d. upon d की जगह क्या लिखा, इंटीग्रल साइन. ऐसे ही बेटा log x is equal to 1 upon x dx upon d, उसकी जगह क्या लिखा, इंटीग्रल साइन. यानी जो भी कुछ आपके पास फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, आप उन्हीं को किसमें ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो, फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन में. ठीक है. यस सर, यस सर. आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को. यस सर. हां जी. अच्छा चलो अब यहां से ये जो डिफरेंशिएशन था अभी तक, ये था इनडेफिनेट डिफरेंस, इंटीग्रेशन जो था ये था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. अब हम इसको इनडेफिनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि वी आर नॉट अप्लाइंग एनी लिमिट्स टू द फंक्शंस. ठीक है, हमने यहां पर फंक्शन को लिमिट अप्लाई नहीं करा. लेकिन what will happen if we apply limit to the functions,
अच्छा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की एक और खास बात होती है, दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग, ठीक है, और आप सभी लोग करेंगे इसको। जब भी कभी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमेशा साथ में प्लस अ कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर, दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग, यानी के अगर मैंने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो आंसर क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो प्लस में क्या लगाएंगे, हमेशा एक कांस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, हमें नहीं पता कि हमें कहां तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है, जहां तक इंटीग्रेट करना है अगर वो लिमिट मुझे पता होगी फिर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाएगा। क्लियर है? Yes. देखो ध्यान से समझो, ठीक है, मान लो कि लेट्स से कि आप जिस रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, उस रूम का जो फ्लोर है, दैट फ्लोर, उस रूम का जो फ्लोर है बेटा, अभी जो फ्लोर है लेट्स से कि ये 20x20 है, ठीक है, 20 feet by 20 feet, ठीक है, अगर ये 20x20 है और मैं आपसे कहता हूं कि आप इसके अंदर एक 2 feet by 2 feet की एक टाइल लगा दो, ठीक है, तो आपने लगा दी एक 2 feet by 2 feet की टाइल इसके अंदर, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी टाइल्स यू कैन प्लेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो अब आप क्या करोगे, आपके पास एक डेफिनेट सोल्यूशन आएगा ना, क्योंकि आपको पता है लिमिट कि आपको कितने एरिया के अंदर 2x2 feet की टाइल लगानी हो, पता है ना? Yes, sir. लेकिन अगर आपको ये पता ही ना हो कि लिमिट क्या थी, यानी कि एक साइड तो 20 फीट पता है, दूसरी साइड की लिमिट ही नहीं पता आपको, सो विल यू बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट नंबर? No, sir. नहीं, तो जब हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट नंबर, तो ऐसे वाले इंटीग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट। अब इंटीग्रेशन क्यों कह रहा हूं इसको, क्योंकि हर 20 फीट बाय 20 फीट की टाइल जैसे जैसे इसके अंदर फिक्स होती चली जाएगी तो वो एरिया बड़ा होता चला जाएगा, यानी द मोस्ट डिस्क्रीट फॉर्म इज 2x2, और ये 2x2 की जो टाइल है जितनी ज्यादा लगती चली जाएंगी तो एरिया बड़ा हो गया, यानी कि व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव इंटीग्रेटेड द एरिया, कौन से एरिया को, 2x2 feet के एरिया को हमने इंटीग्रेट कर दिया, बाय हाउ मेनी टाइम्स वो हमें नहीं पता क्योंकि n हमारे पास डेफिनेट नहीं है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है वो समझो, इधर से फॉर्मूला रब कर दू आपको चाहिए, चलो मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दूंगा। अच्छा अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेफिनेट में ना हमें लिमिट्स पता होती है फंक्शन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेट्स से कि मेरे पास एक जनरल फंक्शन है x टू द पावर n dx और मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, लेकिन कहां से कहां तक, From x equal to a to x equal to b, this is how we can write limits, ठीक है? ये जो नीचे वाली लिमिट होती है बेटा, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है? तो x to the power n dx का जनरल फॉर्मूला क्या था, x to the power n plus 1 अपॉन n प्लस 1, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। तो x की जगह a और x की जगह यहां पर क्या रख दिया, b, तो आप x की जगह पहले पुट करो b और फिर पुट करेंगे a, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
ठीक है, तो देखो आंसर आना चाहिए आपका बी रेज टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस ए रेज टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यानी अपर लिमिट बी को मैंने किसकी जगह प्लेस करा, एक्स की जगह, क्योंकि हमने बोला एक्स इक्वल टू बी है, और फिर लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू ए को हमने वापस एक्स की जगह प्लेस करा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है एक्स ए के बराबर है। सो नाउ दिस विल बी योर आंसर, और यहां पर सी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये आंसर कैसा है आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा? यस सर। वंश कोई डाउट है इसमें? नो सर। सर तो ये डेफिनेट था इसलिए सी नहीं था। बोलो फिर से, बोलो बेटा रस्कीदर। सर डेफिनेट था इसलिए सी नहीं लगाया गया था। हाँ बेटा डेफिनेट है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कहाँ तक ऐड करना है, इसीलिए हमने कांस्टेंट नहीं लगाया। ओके सर। सी बेटा है क्या, याद रखना सी होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, ओके सर। बट इसकी वैल्यू हम तभी निकालते हैं जब निकालने को बोली जाएगी। आपके लेवल पर अभी आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हुए सी की वैल्यू नहीं निकालनी है। यू ओनली हैव टू अप्लाई सी ओनली देयर। ओके। दूसरी बात, आपके फिजिक्स में जहां कहीं पर भी अभी इंटीग्रेशन अप्लाई होगा वो इंटीग्रेशन डेफिनेटली अप्लाई होगा, यानी विद लिमिट्स अप्लाई होगा। ठीक है, मान लो मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है लेट्स से, ठीक है, वेलोसिटी से, तो मुझे बताया जाएगा ना कि कहां से कहां तक, किस टाइम से किस टाइम तक के बीच में आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है या डिस्टेंस निकालना है। सिमिलरली अगर मुझे वेलोसिटी पूछी जाएगी तो मुझसे पूछा जाएगा कि कौन से सेकंड पर वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो एक्सेलरेशन कौन से सेकंड पर रिक्वायर्ड है, फोर्स पूछी जाएगी तो ये पूछा जाएगा कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितनी फोर्स लगी। ठीक है, सो डेफिनेट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, एंड अप्लाई कैसे करनी है लिमिट्स, दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, तो अब यहां से आपको डेफिनेट एक दो क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको लिमिट लगानी आ जाए, फिर हम इंटीग्रेशन को फर्दर और ज्यादा क्वेश्चंस इंटीग्रेशन पे कर पाएंगे। अच्छा मान ले कि आपसे ये कहा जाए कि बेटा इंटीग्रेट करें। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये फंक्शन था साइन एक्स, ये जीरो था, ये पाई बाय टू, ये पाई और ये मैक्सिमम एंगल टू पाई। हमने सेक्सागेसिमल सिस्टम करा था जब हमने ये बात की थी कि पाई का मतलब 180 होता है, 2 पाई का मतलब 360 होता है ना? यस सर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि साइन एक्स को इंटीग्रेट करो एक्स के रिस्पेक्ट में कहां से कहां तक, जीरो से लेके पाई बाय 4 तक। अब पाई बाय 4 कहां आ रहा होगा, पाई बाय 2 और जीरो के कहीं बिल्कुल बीचों बीच ये आ रहा होगा ना, है ना? Yes, sir. अब जीरो से पाई बाय फोर, पाई बाय फोर का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री अपॉन फोर, यानी कि 45 डिग्रीज ना बेटा? Yes, sir. तो इसका मतलब मुझे साइन की जीरो से लेके पाई बाय फोर के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका सम चाहिए। ठीक है, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू पाई बाय फोर। ठीक है, यस सर। तो आंसर आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, जीरो से लेके पाई बाय फोर, तो माइनस अपनी जगह कॉस पाई बाय फोर माइनस ब्रैकेट में
cos 0, ठीक है। अब बेटा cos pi by 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 by under root 2, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, माइनस साइन को अगर अंदर डाल दें तो दिस विल बी 1 माइनस 1 by under root 2, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। बेटा बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन विद लिमिट्स सबको समझ में आया है? अनुभव समझ में आया? यस सर। वन अपॉन रूट टू कहां से आया? अभी बताता हूँ बेटा। लक्ष्य समझ में आया? यस सर। संस्कृति समझ में आया बेटा? यस सर। मिष्टि, सना? Yes, sir. रस्कीरत? Sir, 1 upon root 2, बता दो। 1 by root 2, अभी बताता हूँ। शौर्य वंश, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो, ये 1 by root 2 कैसे आया बेटा? cos 45 की वैल्यू क्या होती है? अच्छा ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता कि इंटीग्रेशन आप करके बताएं tan x का, अच्छा tan छोड़ो, मान लो हम cos x का करते तो बेटा आंसर क्या आता? cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। लिमिट वही ले लेते हैं 0 से लेके पाई बाय 4 तक, तो लिमिट होती 0 से लेके पाई बाय 4 तक, ठीक है। तो अब बेटा साइन पाई बाय 4 यानी के 45 डिग्रीज माइनस साइन 0 डिग्री। अब देखो साइन 45 अगेन 1 बाय रूट 2 होता है, साइन 0 0 होता है, सो योर आंसर इज 1 बाय रूट 2 ओनली, है ना? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है अभी, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन पे बात करेंगे जब हम लोग आगे, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन था और इनडेफिनेट भी आज हमने जो इंटीग्रेशन किया वो बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन था। नेक्स्ट टाइम जो इंटीग्रेशन हमें करना है वो इसी के ऊपर बेस्ड है और इसके सिर्फ दो फॉर्म्स हम करेंगे। डिफरेंशिएशन की तरह इसको इन डिटेल ज्यादा नहीं करेंगे। और वो जो दो फॉर्म्स है बेटा, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन के बाद जो दूसरा होता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिर्फ ये दो मेथड हम करेंगे। वैसे इंटीग्रेशन बहुत डिटेल्ड टॉपिक है जिसके अंदर स्पेशल इंटीग्रेशंस बहुत सारे हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं, बट हम वहां नहीं जाएंगे, वो आपके स्कोप से बहुत बाहर की बात है। बट हाँ, ये जो दो पार्ट्स हैं ये कहीं पर भी शायद यूज हो जाएं। सब्स्टिट्यूशन तो डेफिनेटली यूज होगा, बाय पार्ट्स बहुत ही रेयर चांस के अंदर यूज होता है बट हो जाता है। तो ये दो पार्ट्स हम लोग जरूर सीखेंगे, यानी ये दो टाइप्स इंटीग्रेशन की हम लोग जरूर सीखेंगे। तब तक आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी कोई क्वेश्चन आपके पास हो उस क्वेश्चन को वापस आप डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेट अगर करेंगे तो आप यू विल गेट द सेम रिजल्ट जैसा कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। अगर एक एग्जांपल आपको छोटा सा लेके बता, ठीक है। देखो अगर बेटा देखो जैसे एक फंक्शन था, हमने
dy by dx निकाला एक फंक्शन का, जो कि फंक्शन था मेरे पास x square plus 2x. इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वी गेट 2x plus 2, यही आंसर आना चाहिए ना? Yes sir. है ना? अब फटाफट से इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं. तो बेटा y किसके इक्वल हो जाएगा? 2x plus 2 dx upon d, और अपॉन डी की जगह क्या लगा दिया? इंटीग्रल. यहां से ले गए ना, इस तरह लिख सकते हैं ना ऐसा? ये तो सबको क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वापस यही फंक्शन बनने वाला है. ठीक है, आपका इनिशियल फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x, इसको लिख सकता हूं 2x dx प्लस इसको लिख सकता हूं 2dx, है ना? ये वाला 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया. इस x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. ऐसा लिख सकता हूं पहले फंक्शन को? यस सर. यस सर. प्लस ऑफ 2, मैंने पहले बोला था जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1. और 1 को x की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0. तो बेटा 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो दिस बिकम 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1. जनरल सॉल्यूशन लगा दिया. ठीक है, यस सर. नाउ वी हैव द रिलेशन 2 into x square by 2 plus of 2 x, 2 से 2 कट गया, वी आर लेफ्ट विद x square plus 2x. तो बेटा जहां से चले थे वापस वहीं पहुंच गए ना? यस सर. यस सर. ठीक है ना, तो दोनों के दोनों फंक्शंस हमने सीख लिए, मतलब डिफरेंशिएशन भी सीख लिया और इंटीग्रेशन भी सीख लिया. ठीक है बेटा? ओके सर. ओके सर. तो आई होप कि आज वाली क्लास सबको क्लियर है. और बेटा ये वाली क्लास के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस होंगी, एंड दोज एप्लीकेशंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. आज वाला सबको क्लियर है ना? इज देयर एनी डाउट? यस सर. सर क्लियर है, नो डाउट. ठीक है बेटा, थैंक यू सर. ये जो आपने लास्ट क्वेश्चन करा. हाँ बेटा बोलो. सर उस ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मतलब हमें वही चीज दोबारा प्रूफ करनी. नहीं 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 नहीं, ये तो आपको सिखाने के लिए है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना? ओके सर. ठीक है बेटा, बाय सर. बाय सर. बाय बेटा, बाय.